1946 में आज ही के दिन मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म हुआ था। मेजर रामास्वामी ऑपरेशन पवन में अहम योगदान के लिए मशहूर हैं। 1987 से 1990 के बीच भारत के सहयोग से श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया गया था, जिसमें भारतीय सेना के मेजर रामास्वामी परमेश्वरन शांति विरोधी तत्वों के हाथों शहीद हो गए थे। ऑपरेशन पवन के तहत वीरता से दुश्मनों से लोहा लेने वाले मेजर रामास्वामी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दरअसल 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक अनुबंध हुआ था, जिसमें श्रीलंका के कई तमिल प्रतिनिधि भी साथ लिए गए। इस अनुबंध के मुताबिक भारत की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका जाना तय किया गया, जहां वह तमिल उग्रवादियों का सामना करते हुए शांति बनाने का काम करें, ताकि श्रीलंका से भारत की ओर शरणार्थियों का आना रुक जाए। भारतीय शांति सेना ने सभी उग्रवादियों से हथियार डालने का दबाव बनाया, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हुई, लेकिन तमिल उग्रवादी संगठन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम इस काम में कुटिलता बरत गया। उसने पूरी तरह से हथियार न डालकर अपनी नीति बदल ली। लिट्टे ने गोरिल्ला युद्ध अपना लिया था। 1988 में आज एक दिन क्यूबा ने गोलीबारी के लिए CIA पर आरोप लगाया था। क्यूबा की सरकार ने अपने राजनयिक मेडिना पेरेस का बचाव करते हुए कहा था कि उन्हें साजिश में फंसाया जा रहा है। दरअसल क्यूबा के राजनयिक ने लंदन की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर गोली चला दी थी, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया था। ब्रिटानी सरकार ने क्यूबा के राजनयिक के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें और राजदूत को बर्खास्त कर दिया था। एक खबर के मुताबिक क्यूबा के राजनयिक जब अपने घर से लौट रहे थे, तभी उन्होंने कथित रूप से उनका पीछा कर रहे कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी थी। ब्रिटेन की पुलिस का कहना था कि जख्मी व्यक्ति CIA का नहीं बल्कि ब्रिटेन की सुरक्षा बल का सदस्य था। 1993 में इसराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच शांति समझौता हुआ था। इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात ने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से हाथ मिलाकर संबंधों की एक नई शुरुआत करने की घोषणा की। शांति समझौते पर इसराइली विदेश मंत्री और फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने दस्तखत किए थे। इस शांति समझौते के मुताबिक इसराइल गाजा पट्टी और पश्चिमी तट से 1994 तक अपनी सेना हटाने पर सहमत हुआ था। वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी, ताकि फिलिस्तीनियों को स्वशासन अधिकार मिल सके। 1999 तक दोनों पक्षों के बीच अंतिम समझौते की समय सीमा तय हुई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस शांति समझौते को एक ऐतिहासिक कदम बताया। और 13 सितंबर यानी कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चॉकलेट कोको से बनता है, जो थेओब्रोमा कोको नाम के पेड़ का बीज होता है। माना जाता है कि इसका पहली बार इस्तेमाल 1100 ईसा पूर्व में हुआ। दक्षिण अमेरिका में रहने वाले एस्टेक सभ्यता के लोग इससे शोकोलाटल नाम का द्रव्य बनाते थे। शोकोलाटल शब्द का मतलब है कड़वा पानी। माना जाता है कि इस द्रव्य में खमीर उठने पर ही इसका स्वाद निकलता है। आधुनिक काल में बीजों पर खमीर उठने के बाद इन्हें सुखाया जाता है और साफ किया जाता है। फिर बीज के बाहरी परत को हटाकर चॉकलेट बनाई जाती है।